गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल लाइफ। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। अभी सुबह का टाइम है, देखो मैं रसोई में काम कर रही हूँ, खाना पका रही हूँ। हाँ हाँ, आज मैं ही पका रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी घर पे नहीं है तो मैं ही पकाऊँगी। जो बनेगा वही खाना पड़ेगा। लौकी की सब्ज़ी बनेगी, पोस्तो मतलब पॉपी सीड डाल के, और ये है अंडा। ये पोल्ट्री का अंडा नहीं है, ये हंस का अंडा है, मतलब डार्क एग। तो ये एक सब्ज़ी बनेगी, इसके साथ आलू नहीं दूंगी, डांटा दूंगी, ड्रमस्टिक। और कड़ी बनेगी, और वो तो दिखाया, लौकी पोस्तों के साथ बनेगी। और ये मेरे बेटू, देखो ये खाट बेड आज लगा दिया मेरे हस्बैंड ने बहुत चिल्लाने के बाद, और इस रूम का बेड भी साफ़ करके एकदम ठीक ठाक करके रख दिया मैंने। घर पोछा झाड़ू सब कर लिया, सुबह का सब काम हो गया। अभी खाना पकाने के बाद माँ बेटे खाएंगे और कहीं जाएंगे। लंच तैयार, आ जाइए आप भी खाने के लिए। ये देखिए ड्रम स्टिक और अंडा, कड़ी, और ये लौकी की सब्ज़ी पॉपी सीड डाल के, और गरम गरम चावल। चलो माँ बेटे खा लेते हैं, फिर निकलना पड़ेगा इस धूप में, कहीं जाना तो है, देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लंच कर लिया मैंने, प्रीतम को लंच करने के लिए दे दिया। लंच की थाली अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ, वो तो ऐसे ही करता है, आप लोग जानते ही हो कितना लेट करता है, हर चीज़ में लेट करता है, फ़ोन ले कैसे बैठा है। लेकिन मुझे तो जाना है ऑफिस में, ज़रूरी काम है। आज मैंने ये कॉटन की सलवार सूट पहनी है, बहुत गर्मी है बाहर, धूप है, तो यही ठीक है, ज़्यादा सजना सवरना नहीं ऑफिस जाने का टाइम। ऐसे ही सुपरवाइजर तो गुस्से में है मुझसे, आप लोग जानते ही हो, यूट्यूब करने के लिए ऐसे ही मुझ पर गुस्सा है। ऊपर से अगर सज धज के चली गई तो नहीं बाबा, नहीं, काम तो होगा ही नहीं। मत एक ज़रूरी काम है, मैं जिस स्कूल में हूँ वो तो बहुत दूर है, तो और एक स्कूल के लिए अप्लाई करना है जो थोड़ा सा कम होगा, बस साइकिल नहीं करना होगा, बस उतना ही है, उतना ही जाना होगा बस या ट्रेकर पे, लेकिन साइकिल कम हो जाएगा। कम मतलब ना करो तो भी चल जाएगा, आप पैदल ही जा सकते हो बस स्टैंड से। तो बहुत आशा लेके, उम्मीद से जा रही हूँ ऑफिस, देखती हूँ क्या होता है। प्रीतम को भी लेकर जा रही हूँ छतना, क्योंकि प्रीतम अब कब जाएगा पता नहीं, तो सबसे मिल ले, और स्कूल शुरू हो जाएगा तो मैं जाऊँगी बीच बीच में ऑफिस, लेकिन वो तो नहीं जा पाएगा, इसलिए उसे लेकर जा रही हूँ सबसे मिल ले। उस दिन तो जो हमारी घरवाली मालकिन थी आंटी, उनसे मिलकर नहीं आए, तो मैंने बोला चलो आज मिलना है तुम्हें, चलो मिला देती हूँ, दादी बोलते हैं और हमारी यहाँ दीदा बोलते हैं, तो चलो आप भी चलो मेरे साथ, सारा दिन क्या होता है देखो। वो हिची को लेकर भिंची को आरुषि के घर से हम निकल चुके हैं, बहुत बदमाशी की दोनों बच्चों ने, ये देखिए ये और वो सो रही है, हमारे आने के नाम से ही एकदम सर पिट पटक रही थी, नहीं 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 जाने देंगे हमें, नहीं आरुषि। तो अभी सो गई तो मैंने बोला चलो निकल लेते हैं, और ये थोड़ा खेलेगी भी वहाँ पे सामने जो दोस्तों के साथ खेलता था, वो जिन दोस्तों के साथ, तो खेलने में भी एक घंटा तो लगाएगा, फिर घर जाएंगे। और मैं चलिए पुराने घर में थोड़ा जो मासी माँ है, आंटी है हमारी, उनके साथ थोड़ा बातें कर लेती हूँ, फिर
पता नहीं अब कब आऊँगी, ऑफिस तो आऊँगी लेकिन ऐसे सबके घर जाना नहीं होगा, आते ही घर जाना होगा। आज प्रीतम को लेकर आई हूँ, थोड़ा घूम लेती हूँ। बच्चे देखिए, बकरी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। लेकर जाओगे? हाँ जाओगे लेकर? और उसी ऐसे करती है, जब घूमने लाते उसके बाद शाम को, तो किसी का बकरी का बच्चा, किसी का मुर्गी, ये सब देखकर बोलती है चलो चलो लेकर चलो चलो। देखिए कितना सुंदर रंग, दाल दाल। देखो घर का हुलिया ही बदल दिया आंटी ने, कितना अच्छा लग रहा है ना, रंग किया है, अच्छे से साफ किया है। देखो लग रहा है कि वही रूम है हमारा, एकदम खराब था। देखो झक झक करे, झक 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 झक, अच्छा लग रहा था सचमुच। कोई नहीं है, कोई नहीं, हम लोग चले गए। और आरोसी का घर भी देखिए खाली ताला है, पूरा घर खाली हो गया, पूरा घर छत। चलिए थोड़ा छत पे घूम लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मेरा प्यारा प्यारा छत। यहाँ पे मैंने कितने सारे वीडियो बनाए हैं, कितने सारे। और अब घर के अंदर बनानी पड़ रही है, देखो मेरा प्यारा प्यारा छत। अभी लग रहा है अभी वीडियो बना लूँ एक, लेकिन उतना अच्छा गेटअप नहीं किया हुआ है। और मैं तो आप लोग जानती हो ठीक ठाक से रेडी ना हूँ, तो कुछ नहीं। वीडियो मेरी बहुत ही दिल के करीब की चीज़ है, ऐसे ही नहीं बनाती मैं, ऐसे ही नहीं बनाती। लेकिन छत देखो, याद आते हैं बहुत सारे यादें है इस छत से मेरे, सिर्फ वीडियो नहीं, बहुत बहुत साल रहे यहाँ पे, 7 साल, तो छत से तो बहुत सारी यादें जुड़ी है। कैसा वेदर हो रहा है, लग रहा है अभी तूफान आएगा, बारिश होगी, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों। और एकदम नीचे खेल रहा है और आंटी बोल रही थी कि एक बार भी तुमको देखना है, तो चलिए अब चलते हैं, नहीं तो अगर सचमुच तूफान आया, बारिश शुरू हो गई तो बच्चे को लेकर बहुत परेशानी हो जाएगी ना। तो चलिए अभी तूफान आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, अभी यहाँ की जो माया है वो छोड़नी पड़ेगी, और जहाँ पे रहना है उसको ही अपनानी पड़ेगी, और उसके साथ ही ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, मतलब उस जगह के साथ, उन लोगों के साथ, है ना। देखो अभी भी एक बॉल है छत पर, प्रीतम का, आरुषी का, किसी का मुझे अभी मालूम नहीं, दोनों में से किसी का तो होगा ही। तो ये देखो यही तो यादें है ना, बच्चे लोग खेलते थे छत पर। चलिए आंटी प्रीतम को एक बार देख ले, कब से बोल रही है प्रीतम को देखना है देखना है, फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे माँ बेटे। ओके चलिए। पुराने दोस्तों के साथ मेरे बच्चे ने आज बहुत खेला, बहुत खेला, बहुत मज़े किए। और देखो धूल मिट्टी भी पैर में लग गई, तो धो रहे हैं अच्छे से, चेहरा भी मैंने बोला अच्छे से धो लो। और आंटी खड़ी है, हमारी जो घर मालकिन थी उसके लिए क्या लेस लिया है, और वो बहुत रो रही थी आज भी प्रीतम के लिए। बचपन से देखा है ना, उनके पास ही तो रहता था मेरा बच्चा। ट्रेकर मिल गया टाइम पे, अभी हम घर जा रहे हैं माँ बेटे। देखो प्रीतम का मन बहुत खराब है, दोस्तों को छोड़कर जाना पड़ा ना इसलिए। प्रीतम अभी खेलने गया थोड़ी देर नीचे, एक दोस्त मिला है उसको, नया नया दोस्त तो गया है, और मैं आ गई ऊपर और सोच रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं। उनकी यादें आ रही है, और उसी उठकर क्या सोचेगी, कितना रोएगी, वही सब सोच रही हूँ। क्योंकि उठते ही तो वो ढूंढने लगेगी दादा कहाँ है, जेम्मा कहाँ है,
तो वही सब सोच रही थी। किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ा, सिर्फ वो बच्चा एकदम छोटा है ना, पीतम भी है दुखी है लेकिन समझ जाएगा और समझ भी जाता है, लेकिन वो बच्चा उसको तो कुछ समझ में ही नहीं है आता कि दुनियादारी क्या है, क्या क्यों हम लोग अलग हो गए, क्यों चले आए। फिर कभी कभी जाते हो तो उसको लगता है कि अब नहीं बिछड़ेंगे हम, अब आ गया मेरा दादा, आ गया जिम्मा, आ गया जीतू, आ गया, तो उसको तो कुछ समझ ही नहीं है, इसलिए उसको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जब मैं बोल रही थी कि चलो पीतम चलो घर चलो, जोर से मुझे डांट रही थी और रोने लग रही थी, सर पीटने लग रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ उसको देखकर। पता नहीं कितने दिन लगेगा उसको ये सब समझने में, संभलने में। कोई अगर मिल जाता वहाँ पे खेलने का साथी ना तो ठीक था, लेकिन माँ बेटी अकेले इतने बड़े घर में रहती है तो और ज़्यादा वो दुखी हो रही है, मतलब अकेलापन उसको ज़्यादा खाए जा रहा है। क्या करे बोलो, जिंदगी तो ऐसी ही है, कभी खुशी कभी गम, कभी मिलना कभी बिछड़ना, और वो बिछड़ने की जो दर्द है वो अभी हम झेल रहे हैं दोनों फैमिली, मतलब तीनों फैमिली। आंटी भी हमारी जो घर मालकिन थी वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है, आज तो रोने लगी पीतम को देखकर, बहुत बहुत ज़्यादा दुखी है वो भी। और मतलब एक घर था, एक घर में हम तीन फैमिली एक साथ रहते थे और हंसी खुशी खेलना तो गप्पे लगाना ये सब चलता रहता था। अचानक से घर एकदम सुना हो गया, खाली हो गया, वो भी चले गए, हम भी चले गए आए यहाँ पे, और आंटी एकदम अकेली रह गई एकदम। और क्या, चलो पीतम आए नीचे से, फिर देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं, शॉर्ट वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ देखती हूँ थोड़ी देर बाद। शाम की भूख बहुत ज़ोरों की लगी है लेकिन दूध अभी तक नहीं आया, पीतम खेलने गया तो घर आने का नाम नहीं ले रहा है, तो केक अभी लीजिए, क्या करूँ भूख तो लगी है तो खाना तो पड़ेगा ना कुछ, और अभी दूसरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। शुगर है तो है, वो तो रहेगा ही, तुम बिना खाए रह जाओ, मन हो रहा है थोड़ा सा खा ले। सुबह टाइम नहीं मिला तो अभी बर्तनों को इस पे सजा देती हूँ तो बहुत सारे बोरियाँ खाली हो जाएंगे और घर थोड़ा ठीक लगेगा, है ना। कर लिया जितना हो सके, हालत देख ही रहे हो, पसीना पसीना हो गई एकदम। ये देखिए कुछ बर्तन इधर सजा दिया है, ये सब ऐसे रहता था उस घर में भी, आप लोगों ने देखा, काम के वक्त जल्दी मिल जाता है। और ये टिफिन के लिए अभी तो फालतू है लेकिन कभी बहुत जरूरी हुआ करते थे, ऐसा ही होता है, जब जरूरत था तब खरीदा, अभी जरूरत नहीं है तो फालतू लग रहा है, लेकिन फेंकना तो नहीं, घर संसार की चीजें फेंका नहीं जाता, ऐसे ही रखना तो पड़ेगा ही। और हाँ, जो कांस के बर्तन और एकदम लगते ही नहीं, उनको तो बोरी में भर के जो बेड के नीचे सेट कर दिया है, तो तुम रहो वहीं पे सोते रह जाओ क्योंकि तुम्हारी जरूरत कोई है नहीं। दिन में मेरे हस्बैंड खाना बना है हस्बैंड के लिए, लेकिन खाए नहीं क्योंकि लेट हो गए, अभी तो घर आए तो खाएंगे क्या, बहुत काम था बाहर, तो दिन की जो सब्जी है थोड़ी गर्म कर लेती हूँ, अभी गर्म बहुत गर्मी है ना, तो अगर थोड़ा गर्म ना कर लो शाम को रात को खराब हो जाती है, और मुझे तो सब्जी मछली सब चाहिए चाहिए, और दूध भी गर्म हो रहा है और क्या, और कुछ नहीं कर पाऊंगी अभी। और अभी ड्रेस चेंज करके थोड़ा सा सो लूँगी, फिर खाने के समय सबको खाना दे दूँगी, खुद भी खा लूँगी। तो चलो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें तो उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा। आरुषि की हालत देखी, बार बार मैं आरुषि का नाम ले रही हूँ ना, क्या करे, प्यार है इतना आरुषि से और उसका भी है हमारे लिए, तो याद तो आएगी ही, तो ठीक है चलो बाय बाय टाटा।